अमेरिका और चीन के बीच बढ़ सकता है टकराव। अमेरिका ने नॉर्थ कैरोलिना तट पर उड़ाया चीन का बैलून, लगाया सेना की जासूसी का आरोप, चीन का आरोप से इनकार। दिल्ली में जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम के समर्थन में धर्म संसद, बड़ी संख्या में लोग और साधु संत मौजूद। जयपुर महाखेल के फाइनल मुकाबले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाखेल के प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश हुई नाकाम, बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर श्रीगंगानगर के पास ड्रोन को ढेर किया, ड्रग्स की तस्करी की आशंका। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस, पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर। पाकिस्तान में कंगाली के बीच सियासी संकट गहराया, इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ किया जेल भरो आंदोलन का ऐलान, पेशावर में आतंकी हमलों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। उत्तर प्रदेश की मथुरा में बांग्लादेशी एजेंट गिरफ्तार, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की भारत में कराता था घुसपैठ, बांग्लादेश और भारत का सिम समेत दस्तावेज बरामद। न्यूज 18 इंडिया पर योगी आदित्यनाथ सुपर एक्सक्लूसिव, आज दोपहर 1 बजे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। दुबई में इलाज के दौरान परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है। परवेज मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनकी खबर मिली है कि उनका निधन हो गया है। काफी लंबे वक्त से उनका इलाज दुबई में चल रहा था और यही वजह है कि आज उन्होंने अंतिम सांस ली है, दुबई में उनका इलाज चल रहा था। और देखिए जानकारी ये मिलती रही है उनकी सेहत के बारे में, दिल समेत कई गंभीर बीमारियां उन्हें थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका इलाज करना भी संभव नहीं था, इसीलिए उनके ही ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई थी कि अब वो वेंटिलेटर पर भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन फिर उनका रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल था। और आज एक खबर इस वक्त मिल रही है कि लंबे समय से जो बीमार चल रहे थे परवेज मुशर्रफ, अब उनका निधन हो गया है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।